नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पार्वती त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं दिन की बड़ी खबरों की। इतिहास रचने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम का पहला ओलंपिक पदक जीतने का सपना अधूरा रह गया। आज ओलंपिक के कांस्य पदक के मुकाबले में ब्रिटेन ने महिला हॉकी टीम को 4-3 से हरा दिया है। इस हार के बाद पूरे देश में निराशा की लहर दौड़ गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर कहा है कि हम महिला हॉकी में एक पदक से चूक गए, लेकिन ये टीम न्यू इंडिया की भावना को दर्शाती है। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि हम महिला हॉकी में एक पदक से चूक गए हैं, लेकिन ये टीम न्यू इंडिया की भावना को दर्शाती है, जहां हम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं और नए मोर्चे बनाते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ओलंपिक्स में टीम की सफलता भारत की युवा बेटियों को हॉकी को अपनाने और इसमें उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित भी करेगी। इस टीम पर हमें गर्व है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के पहलवान रवि दहिया ने फ्री स्टाइल 57 किलो भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। हालांकि वो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए और इतिहास रचने से चूक गए। फाइनल मुकाबले में रूसी पहलवान जवर युगेव ने उन्हें मात दी। रवि दहिया की जीत पर पूरा भारत खुश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित तमाम बड़ी हस्तियों ने उन्हें जीत की बधाई दी है। बता दें, रवि दहिया के सिल्वर मेडल की जीत पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कि प्रदेश की खेल नीति के मुताबिक दहिया को 4 करोड़ रुपए नकद दिए जाएंगे और इसके अलावा उन्हें क्लास 1 की नौकरी भी मिलेगी। साथ ही रियायती दर पर भी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से प्लॉट भी दिया जाएगा। और इसी के साथ सूबे के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि रवि दहिया ने गांव के नहारी में आधुनिक सुविधाओं से लैस इंडोर रेसलिंग स्टेडियम भी बनाया जाएगा। साथ ही वहीं केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक भी रवि दहिया को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और लोकसभा में द टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 पेश किया गया है। बता दें, बिल के जरिए 1961 में के इनकम टैक्स कानून में बदलाव किया जाएगा। साथ ही संशोधन बिल का मकसद भारतीय परंपरितियों को भी अप्रत्यक्ष हस्तांतरण से होने वाले फायदे पर टैक्स को खत्म करना है। बता दें, यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान साल 2012 में इनकम टैक्स कानून 1961 में बदलाव कर और टैक्स का प्रावधान किया गया था, जिसे विदेशी निवेश के लिए एक बड़ी बाधा भी माना जा रहा था। वहीं संशोधन बिल पारित होने के बाद वोडाफोन और केनियर्स जैसी कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी और इन कंपनियों पे 2012 के कानून के चलते बड़ी देनदारी थी। ऐसे में नए बिल के से पुराने टैक्स विवाद हमेशा के लिए खत्म होने की भी उम्मीद है। बता दें, संशोधन बिल में ये भी प्रावधान किया गया है कि 2012 में कानून में बदलाव के बाद भेजे गए सभी टैक्स डिमांड वापस ले लिए जाएंगे और उन्हें रद्द माना जाएगा। इतना ही नहीं, साल 2012 के कानून के तहत टैक्स की कोई भी नई डिमांड नहीं भेजी जाएगी। हालांकि इसके लिए कंपनियों को कोर्ट में चल रहा विवाद वापस भी लेना होगा। इसके अलावा विवाद से होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं की जाएगी और अगर सरकार पर किसी भी कंपनी का कोई रिफंड बनता है तो उस पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का कहर अभी थमा नहीं है। अगस्त में कोरोना के नए मामले के केस लगातार बढ़ रहे हैं। शुक्रवार सुबह भी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 44,643 नए कोरोना के मामले सामने आए, जबकि 464 संक्रमितों की जान चली गई। हालांकि देश भर में पिछले 24 घंटे में 41,096 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 3,000 से ज्यादा एक्टिव केस बढ़ गए हैं और इससे पहले गुरुवार को देश में 42,900
82 नए मामले दर्ज किए गए थे और 533 संक्रमितों की मौत हुई थी। यानी कि आज पिछले दिन से करीब 4% ज्यादा कोरोना के मामले आए हैं। वहीं अगस्त में कोरोना मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बस एक दिन 2 अगस्त को मामले घटे जरूर थे, लेकिन केरल में भी गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 22,040 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण से 117 मरीजों की मौत हो गई। वहीं केरल में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 34.93 लाख हो गई है, जबकि मृतक संख्या 17,328 पर पहुंच गई है। साथ ही अब बता दें 32 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं और अभी भी 1,77,924 मरीज उपचाराधीन हैं। वहीं केरल में संक्रमण की दर 13.49% दर्ज की गई है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला टीम ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम नहीं कर पाई, लेकिन ब्रिटेन ने मैच को 4-3 से अपने नाम कर दिया। इसके बावजूद महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। दरअसल भारतीय महिला हॉकी टीम पहली बार ब्रॉन्ज मेडल के लिए फाइट कर रही थी और ग्रुप स्टेज के आखिरी 2 मुकाबले में भारत ने शानदार वापसी करते हुए अगले राउंड में अपनी जगह बनाई थी और इस उपलब्धि के लिए आम से लेकर खास लोगों ने बधाई दे रहे हैं। वहीं तमाम राजनेताओं ने ट्वीट कर भारतीय महिला हॉकी टीम का हौसला अफजाई भी किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला टीम का अभिनंदन किया। उन्होंने मैच हारा लेकिन मन जीता। बता दें टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने वाली मां भारती की बेटियों का हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद। तो योगी आदित्यनाथ ने भी महिला हॉकी टीम के लिए ट्वीट किया है, उन्हें बधाई दी है। हालांकि महिला हॉकी टीम टोक्यो में इतिहास तो नहीं रच पाई, मैच तो नहीं जीत पाई, लेकिन फिर भी देश भर से हॉकी टीम को बधाई मिल रही है। उन जिस तरह से उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया मैदान में, अच्छी तरह से वो उतरी और खेली, लेकिन उस तरह उसको लेकर तमाम बड़ी हस्तियां, तमाम बड़े नेता हॉकी महिला टीम को बधाई दे रहे हैं। हरियाणा सरकार ने अपने राज्य की महिला खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। जी हां, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि ब्रिटेन की टीम बहुत कम अंतर से जीत पाई है, भारत की टीम ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। मैं हॉकी टीम में हरियाणा की सभी 9 खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा करता हूं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि महिला हॉकी टीम पर देश को गर्व है, हमारी लड़कियों ने कई शीशों की छतें तोड़ दी हैं, मुझे यकीन है कि अगले ओलंपिक में हमारा तिरंगा सबसे ऊपर होगा। वहीं पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कहा कि हॉकी का सुनहरा दौर वापस लौटाया है। उन्होंने कहा कि लड़कियों को हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए और आप सभी ने टोक्यो ओलंपिक में दुनिया के टॉप 4 में पहुंचकर शानदार खेल दिखाया है। मैं भारत को गौरवान्वित करने के लिए हमारी महिला हॉकी टीम की सराहना करता हूं। तो बता दें जिस तरह से हॉकी महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन किया है, भले ही हॉकी टीम मैच हार गई है, लेकिन उसके बाद भी देश भर के लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं, उनकी मेहनत को सराह रहे हैं। और ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि वो सभी महिला खिलाड़ियों को, हॉकी टीम की सभी 9 खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए का इनाम देंगे और ऐसे में हॉकी का सुनहरा दौर वापस लौटाया है। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी थी महिला हॉकी टीम को, योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दी थी और उसी कड़ी में मनोहर लाल खट्टर ने भी यह ऐलान कर दिया है कि वो सभी हॉकी टीम के खिलाड़ियों 9 खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए का इनाम देंगे। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार पीएसए प्लांट लगवा रही है। वहीं आईसीयू और वेंटिलेटर बढ़ाने के लिए भी काम तेजी से चल रहा है, साथ ही बेड बढ़ाने का काम भी हो रहा है। बता दें दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बुनियादी स्वास्थ्य ढांचा बढ़ाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है।
बृहस्पतिवार को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल द्वारा आयोजित एक वर्चुअल सत्र में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने दूसरी लहर के अनुभव से सीख लिया है और किसी भी संभावित लहर से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है। उन्होंने बताया कि आने वाली लहर के लिए 37,000 से ज्यादा बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय सत्येंद्र जैन ने कहा कि अगली लहर के खिलाफ अपनी योजना को भी सार्वजनिक किया गया है। अगर कोविड की सकारात्मकता दर अब 5% तक जाती है तो हम बिना किसी देरी के तत्काल लॉकडाउन के लिए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि संक्रमण दर बढ़ने के बाद किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और 3% से अधिक दर होने पर अलर्ट भी जारी होगा। बता दें फिलहाल ये दर 0.09% के आसपास है। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ ऑक्सीजन और इससे प्राप्त करने के लिए लॉजिस्टिक की कमी की वजह से चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन जब 50 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट पहले ही बना दिए गए हैं, इसके अलावा भी और कई ऑक्सीजन प्लांट बनाए जाएंगे ताकि ऐसी समस्या का फिर से ना उठे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं है, इसे भारतीय दंड संहिता आईपीसी में क्लियर कर दिया गया है। बता दें एक्ट 375 में संशोधन के बाद ये तय हो चुका है कि 15 साल से ज्यादा उम्र की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता है। साथ ही इस एक्ट में 2013 में संशोधन किया गया था। कोर्ट ने ये अहम टिप्पणी मुरादाबाद में दर्ज एक मामले में सुनवाई के दौरान की है। हालांकि हाईकोर्ट ने आरोपी पति मुरादाबाद के खुशाबे अली की जमानत मंजूर कर ली है। साथ ही आरोपी को कोर्ट ने सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश भी दिया है। दरअसल मुरादाबाद के भोजपुर थाने में 8 सितंबर 2020 को खुशाबे अली की पत्नी ने पत्नी पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट करने और धमकी देने का केस दर्ज कराया गया था। एफआईआर में अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की बात भी कही गई थी और गुरुवार को इस पूरे प्रकरण में खुशाबे अली को की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस मोहम्मद असलम की बेंच ने खुशाबे अली के वकील केशरी नाथ त्रिपाठी और सरकारी वकील के तर्कों को सुना, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं होगा। हाईकोर्ट ने आरोपी पति को जमानत भी दे दी है। लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान शुक्रवार से अपने आशीर्वाद यात्रा के छठे चरण पर निकल रहे हैं। इसी चरण की यात्रा शुरू करने से पहले चिराग पासवान ने एक बार फिर से शब्दों के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर बड़ा हमला किया है। बता दें बिहार में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्हें घेरा गया है और साथ ही लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के हालात जिस तरह से होते जा रहे हैं वो काफी चिंता का विषय है। चिराग ने यह भी कहा कि खुद को सुशासन बाबू कहने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्य की चिंता कम और अपनी पार्टी की जदयू की चिंता ज्यादा हो रही है। सीएम पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, अफसरशाही पूरी तरह से हावी है और शिक्षित नौजवान अपने हक के लिए लाठियां खा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में शराबबंदी जैसा कानून तो बन गया लेकिन होम डिलीवरी की सुविधा के साथ पूरे राज्य में लोगों को शराब आसानी से मिल रही है। चिराग ने आरोप लगाया कि अधिकारी और पदाधिकारी बगैर रुपए लिए कोई काम नहीं करते आए हैं। साथ ही हर दिन राज्य में हत्या की वारदातें हो रही हैं। साथ ही शासन और प्रशासन पूरी तरह से फेल हो चुका है। इन सब बातों पर ध्यान देने के बजाय वो अपने नेताओं के जरिए ही अपने आप को प्रधानमंत्री मटेरियल और उम्मीदवार बताते रहे हैं। बिहार की जनता अब इस सरकार से उग चुकी है। राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त और शत्रु नहीं होता। महाराष्ट्र की सियासत में यदि किसी दिन के बात
चरितार्थ होकर सामने आए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज्य में कांग्रेस को साथ लाकर महाविकास अघाड़ी सरकार गठित कर शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने वाले रंकापा सुप्रीमो शरद पवार ने अब दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से करीब 15 मिनट लंबी मुलाकात की। पवार इससे पहले बता दें 17 जुलाई को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले थे, क्योंकि अब उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है तो लिहाजा दिल्ली में महाराष्ट्र को लेकर कोई राजनीतिक खिचड़ी तो जरूर पक रही है। ये सवाल अब सूबे के सियासी गलियारों में पूछा जा रहा है। वैसे सिर्फ पवार ही नहीं बीजेपी के करीब आते नजर आ रहे हैं, बल्कि सियासी बयार को अच्छी तरह से समझने वाले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस से राजनीतिक रिश्ते सुधारते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि कोल्हापुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते वक्त उन्होंने बंद कमरे के बदले जनता के बीच फडणवीस से मुलाकात की थी। जालौन के चुरखी थाना क्षेत्र के ग्राम मुसरमिया में एक प्रेमी को छुप छुप कर अपनी प्रेमिका से मिलना महंगा पड़ गया। मामले की जानकारी के बाद गांव वालों ने प्रेमी को पकड़कर जबरन शादी करवा दी। वहीं प्रेमी शादी न करने के लिए लाख मिन्नतें करता रहा, लेकिन गांव वालों ने उसकी एक न सुनी और जबरन प्रेमी की शादी करवा दी। वहीं गांव वालों की तरफ से युवक की जबरन शादी कराने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल होने लगा है। बता दें इस पूरे मामले का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। को अपनी प्रेमिका से मिलना महंगा पड़ गया और ये वीडियो अब किसी ने बना लिया, जिसके बाद ये पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। गांव वालों ने प्रेमी को पकड़वा कर जबरन उसकी शादी करा दी। हालांकि मौके पर कई लोग भी मौजूद रहे। दरअसल प्रेमी अपनी प्रेमिका से छुप छुप कर मिलने आया था, लेकिन जब उसको पकड़ लिया गया तो उसे जबरन पकड़कर लोगों ने उन दोनों की शादी करा दी और वीडियो भी किसी ने बना लिया, और जिसके बाद अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से केंद्र सरकार की एमएसपी पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर किसानों ने नहीं व्यापारियों से खरीद होती है। उनका कहना है कि इस खरीद घोटाले में व्यापारी अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हैं। उनकी मांग है कि इस तरह के हो रहे घोटालों की जाँच सीबीआई से कराई जाए। बृहस्पतिवार को यूपी गेट पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये आरोप लगाया। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने रामपुर जिले से संबंधित कुछ उदाहरण भी दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ गेहूं खरीद के नाम पर बड़ा घोटाला किया जा रहा है और जिन जमीनों पर सड़क और मकान बन गए हैं उन पर भी खेती दिखाकर घोटाला हुआ है। ये भी आरोप लगाया कि फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा के स्कूल की जमीन पर भी खेती दिखाकर घोटाला किया गया है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि सरकार एमएसपी पर कानून नहीं बना रही है। तो बता दें एक बार फिर से राकेश टिकैत ने एमएसपी को लेकर सरकार को घेरा है। लगातार पिछले 7 से 8 महीने से राकेश टिकैत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ। ऐसे में यूपी गेट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी बृहस्पतिवार को, जिसमें उन्होंने एमएसपी को लेकर एक बार फिर से सरकार को आड़े हाथों लिया है। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हरिद्वार दौरे पर रही, जहां पर वो सबसे पहले शांति कुंज पहुंची। उन्होंने सबसे पहले शांति कुंज प्रमुख प्रणव पांड्या से मुलाकात की, जिसके बाद वो भगवान शिव की ससुराल दक्षेश्वर महादेव पर पहुंची और वहां विशेष पूजा की। उन्होंने
जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ से विश्व कल्याण की कामना की। और इस दौरान उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि इन दिनों सावन मास चल रहा है, ऐसे में भगवान भोलेनाथ का उन्हीं की ससुराल दक्षेश्वर महादेव में रुद्राभिषेक करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हरिद्वार में वंदना कटारिया के घर के बाहर असामाजिक तत्वों की तरफ से पटाखे फोड़े जाने पर हुई अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर एसएसपी हरिद्वार ने विस्तृत जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि ओलंपिक में हार के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने वंदना के घर के पास जमकर पटाखे चलाए, जिसको लेकर वंदना कटारिया के भाई की तरफ से तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई, जिसके चलते थाना सिडकुल पुलिस की तरफ से भी कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही जिन पर उचित कार्रवाई भी की जा रही है। जहाँ पूरा गाँव एक तरफ आंखों में आंसू लिए हुए था, गुमसुम था, वहीं कुछ ऐसे शरारती तत्व भी थे जिन्होंने घर की छतों पर चढ़कर खूब आतिशबाजी भी की। वहीं वंदना के भाई पंकज कोटारिया की तरफ से बताया गया था कि जिन लोगों ने आतिशबाजी की वो खुद ही हॉकी के खिलाड़ी हैं और कहीं दूर नहीं बल्कि उनके पड़ोसी ही हैं, जिस वजह से ये साबित हो जाता है कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं ईर्ष्या की भावना रखते हैं। हालांकि परिवार वालों की तरफ से पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बीते 2 साल से लालकुआ से लेकर हल्द्वानी तक निर्माणधीन नेशनल हाईवे 109 की हालत बद से बदतर हो गई है। हाईवे का बेहद धीमी गति से निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से आए दिन यात्री परेशान हो रहे हैं, साथ ही गाड़ी भी दुर्घटनाग्रस्त हो रही है और पहले के दिनों में भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बताते चलें कि बीते 3 साल से नेशनल हाईवे 109 का निर्माण कार्य चल रहा है, जो निर्माण कार्य 2 साल से पूरी तरह से बंद पड़ा है। वहीं लालकुआ से लेकर हल्द्वानी तक पूरे हाईवे पर कहीं मिट्टी के ढेर हैं तो कहीं पर निर्माण सामग्री पड़ी हुई है। कई स्थानों पर गहरे गड्ढे हो चुके हैं, जिसकी वजह से राजमार्ग पर सफर कर पाना बेहद खतरनाक हो चुका है और हल्दू चौक, मोटा हल्दू, बेरी पड़ाव और गोरा पड़ाव के पास तो सड़क में काफी गहरे गड्ढे हो चुके हैं, जिसकी वजह से आए दिन गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। इधर लालकुआ ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मनोज सिंह ने भी बताया कि इस नेशनल हाईवे से हर दिन हजारों की संख्या में छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं और ये हाईवे प्रदेश को उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित अन्य राज्यों को जोड़ता है, लेकिन इस हाईवे का निर्माण 2 साल से बंद है, जिसके चलते आए दिन दुर्घटना होती रहती है। उन्होंने कहा कि इस बारे में वो कई बार उच्च अधिकारियों तक को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ ही उन्होंने शासन प्रशासन से हाईवे का जल्द से जल्द निर्माण कार्य कराने की मांग भी की है। कि जल्दी से जल्दी बन जाए और दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले तो आए दिन एक्सीडेंट हो गए, कोई कोई तो कैजुअल्टी मर भी रहे हैं और गाड़ियों में बहुत बड़ा नुकसान है और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत, जाम लगता कभी कभी तो बहुत देर तक जाम लगा रहता है, नुकसान तो है ही बहुत ज़्यादा और प्रदूषण भी है, धूल लक्कड़ से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सरकार देखिए जल्दी से जल्दी सुनवाई और जल्दी से जल्दी रोड बने, यहाँ के लोगों को तो थोड़ा सा ये सब चीज़ों से निजात मिले। ये तो लगभग 3-4 साल हो गए, बीच में चलता थोड़ा था, 10-5 दिन चलता फिर बंद हो जाता, बहुत ही ज़्यादा दुर्घटनाएं आए दिन हैं, आए दिन की दुर्घटनाएं का तो रोज़ दूसरे तीसरे दिन आए दिन खबरें आती रहती हैं। देखिए 2 साल हो गए हैं और अभी तक यहाँ पर हाईवे का काम बंद पड़ा हुआ है, जिससे आए दिन यहाँ पर छोटी बड़ी गाड़ियाँ जो है दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं और जान जो है जोखिम में, यहाँ पर जो राहगीर चल रहे हैं वो अपनी दावत दे रहे हैं यहाँ पर, और इसके लिए हमने कई बार जो है शासन प्रशासन को लिखित में इसकी सूचना भी दी है और सरकार जो है इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है और जिससे आए दिन जो है यहाँ पर दुर्घटना का कारण बना हुआ है, और जल्दी जल्दी अगर इसमें कोई
इस तरह के गड्ढे अगर भरे नहीं गए या ये रोड यहाँ पर नहीं बनाई गई तो हम लोग इसमें एक जो है बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे। उत्तरकाशी के मनेरा बाईपास पर सक्रिय भूस्खलन क्षेत्र में उस समय हादसा हो गया जब एक चलती कार पर पहाड़ी से बोल्डर आ गिरा। घटना में कार सवार युवक को चोटें आई हैं, तो वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने घायल युवक को कार से बाहर निकालकर निजी वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया। साथ ही घटना की सूचना मिलने पर पुलिस सहित एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। इसी के साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से पहले ही भूस्खलन जोन के दोनों ओर होमगार्ड जवान तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन साथ ही नगर कोतवाल विनोद थपलियाल ने बताया कि बुधवार दिन में नागेंद्र पंवार अपनी कार से मनेरा बाईपास से जा रहे थे, तभी बाईपास पर सक्रिय भूस्खलन जोन से एक बोल्डर उनकी कार के ऊपर गिर गया, जिसमें कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तो वहीं गनीमत रही कि कार की बुरी स्थिति के बाद भी कार सवार की जान बच गई। बता दें कि बीते मंगलवार को गंगोत्री हाईवे पर भी चुंगी बठेड़ी के पास भूस्खलन होने से हाईवे पर आवाजाही पर खतरा बना हुआ है। साथ ही मनेरा बाईपास पर सक्रिय भूस्खलन में बुधवार को एक जान बाल बाल बची। हालांकि दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही जारी है, लेकिन अब भी दोनों मुख्य सड़कों पर खतरा कभी भी जान ले सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।